370 हटेगी तो खून की नदियां बहेगी, खून की नदियां। अरे अखिलेश बाबू किसको डराते हो भाई? हम डरने वालों में से नहीं है। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को हटा दिया। खून की नदियां छोड़िए, कंकर चलाने की किसी की हिम्मत नहीं भाई। अगर फिर से आने वाली नहीं है, आने वाली नहीं है, मगर अगर फिर से गलती से भी साइकिल की सरकार लाए ना, तो उत्तर प्रदेश से पूरे देश में आतंकवादियों को सप्लाई करने का काम होगा। मित्रों, उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के आधार पर चलती है। मित्रों, बुंदेलखंड सालों से जब से बुंदेलखंड को जब जानते हैं तब से बुंदेलखंड प्यासा है। जल संकट बुंदेलखंड की बहुत बड़ी समस्या थी। मैं सपा बसपा बसपा सपा 15 साल शासन किया। मैं उन दोनों को पूछना चाहता हूं, बुंदेलखंड के जल संकट के लिए आपने क्या किया? इसका हिसाब लेकर बुंदेलखंड की जनता के लिए आइए। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बुंदेलखंड को जल संकट के बचाने के लिए ढेर सारी योजनाएं लेकर आए थे। अखिलेश बाबू, आपके राज में तो 2000 किसान भूख से मर गए थे अकाल के कारण, मगर आपके पेट में कोई प्रकार का दर्द नहीं होता था। मित्रों, मैं आज कहना चाहता हूं, भारत इजराइल समझौते के तहत बुंदेलखंड में अनेक जल परियोजनाओं पर काम हो रहा है। बबीना विधानसभा में 2,39,00,000 की लागत से एक चेक डैम का निर्माण किया। महोबा में अर्जुन सहायक परियोजना, रतौली बांध परियोजना, भावनी बंद परियोजना, चिल्ली स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजना, ये 4 परियोजना चरण का परिणाम जानना है क्या? जानना है? जोर से बोलो, जानना है क्या? पहले और दूसरे चरण में सपा और बसपा का सुपड़ा साफ। पहले और दूसरे चरण में 300 सीटों की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नींव डालने का काम किया है, और तीसरे और चौथे चरण में ये वीर बुंदेलों की भूमि बुंदेलखंड है, इस पर 300 सीटों की सरकार की इमारत बनानी है। बीजेपी के प्रचंड आवाज से बोले, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित प्रदेश की उपाध्यक्ष श्रीमती कमलावती सिंह जी, पिछड़ा वर्ग वित्त आयोग के अध्यक्ष और मेरे मित्र श्री बाबूराम निषाद जी, श्री संजय सिंह जी, हमीरपुर महोबा के सांसद भाई पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी, किया था वो महारानी वीरांगना दुर्गावती को भी मैं प्रणाम करता हूँ। संत अवधूत महाराज जो इस भूमि से जुड़े रहे उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ, और माँ योगिनी की मूर्ति जो 40 साल से गायब थी अभी अभी वापिस आई है, माँ योगिनी को भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत। 23 तारीख को आप लोगों को वोट डालना है। बोले भारत माता की। अरे क्यों भाई, बुंदेलों की आवाज ऐसी होती है क्या? मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए,